ओम शांति। आप सबको स्वागत है आपके YouTube चैनल सीख द सुंदर ट्रुथ लाइज विद इन में। और आज हम बात करेंगे तीसरे दिन के, चौथे दिन के और आज के पांचवें दिन के ईश्वरीय वरदान के बारे में। तीनों दिन के वरदान की रिकॉर्डिंग आज ही की जाएगी और आपको आस्ते आस्ते भेजी जाएगी आपके WhatsApp पे, नहीं तो फिर आप इसको YouTube चैनल पे जब भी ये अपलोड होंगे आप इनको सुन सकते हैं। तो परमपिता परमात्मा हमें जो आकर के मुक्ति का रास्ता दिखाते हैं, तो बताते हैं कि हे आत्माओं, तुम्हें अपने आप को हल्का बनाते जाना है। तो उसका वो किस तरीके से हमें सुझाव देते हैं, देखें इस वरदान में। बाबा कहते हैं वरदान में, परमात्मा प्यार में धरती की आकर्षण से ऊपर। जब परमात्मा से प्यार हो, परमात्मा तो ऊपर हैं और ये धरती की आकर्षण हमें नीचे खींचती है, धरती की चीजें, धरती के लोग, धरती के संबंध। तो आकर्षण से ऊपर उड़ने वाले माया प्रूफ भव, मतलब क्या है इसका? परमात्मा प्यार धरनी की आकर्षण से ऊपर उड़ने का साधन है। या तो परमात्मा से प्यार होगा, या इस दुनियावी चीजों से प्यार होगा, या धन दौलत से प्यार होगा, लोगों से प्यार होगा बहुत ज्यादा, मतलब मोह होगा उन चीजों से। तो मुक्ति में जाना मतलब आत्मा को शरीर छोड़ना, बहुत तड़प तड़प के छोड़ना पड़ेगा। तो परमात्मा वो तड़पन को हटाना चाहते हैं और हमें दुखों से हटा करके अपने स्व इच्छा से हम कैसे हल्के होकर के आत्मा शरीर छोड़ दें, वो कला सिखाते हैं ब्रह्मा कुमारी इसमें। तो बाबा फिर कहते हैं, जो धरनी अर्थात देह अभिमान की आकर्षण से ऊपर रहते हैं। धरनी मतलब मैं, मेरा, मेरी चीजें, मेरे संबंध, मेरी वस्तुएं, मेरा धन, मेरा दौलत, उसके आकर्षण से ऊपर रहते हैं, उन्हें माया अपनी ओर खींच नहीं सकती। कितना भी कोई आकर्षित रूप हो, लेकिन माया की आकर्षण आप उड़ती कला वालों के पास पहुंच नहीं सकती। जो चीज उड़ जाती है उसके पास में तो पहुंच ही नहीं सकती कोई भी चीज। जैसे एग्जाम्पल देते हैं बाबा, उदाहरण के तौर पर, जैसे रॉकेट धरनी की आकर्षण से ऊपर हो जाता है, बाय फोर्स क्या करता है वो, अपनी ताकत से वो ऊपर उड़ना शुरू कर देता है ना। जैसे रॉकेट धरनी की आकर्षण से ऊपर परे हो जाता है, ऐसे आप भी परे हो जाओ। किससे? दुनिया, दुनियावी इच्छाएं, दुनियावी चीजों से परे हो जाओ। मतलब कि जितना है उसमें संतुष्ट, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, इसके लिए भी चाहिए, फ्यूचर के लिए चाहिए, बच्चों के लिए चाहिए, पोते नातों के लिए चाहिए, उन आकर्षण से आप दूर हो जाओ, परमात्मा कहते हैं। इसकी विधि है न्यारा बनना व एक बाप के प्यार में समाये रहना। तो परमात्मा से प्यार और बाकी चीजों से, वस्तुओं से, संबंधों से न्यारे, इससे माया प्रूफ बन जाएंगे। इससे फिर कभी लोभ नहीं आएगा, अहंकार नहीं आएगा, क्रोध नहीं आएगा। लेकिन जब मेरा, मैं सब कुछ, सारी चीजें मेरी हैं, वस्तुएं मेरी हैं, ये होगा तो अहंकार आएगा, क्रोध आएगा, घृणा आएगी, ईर्ष्या आएगी और बहुत सारे छोटे छोटे माया के बच्चे भी पीछे पीछे आ जाएंगे। तो इन चीज़ों से बचने के लिए परमात्मा हमें राजयोग मेडिटेशन में, ब्रह्मा कुमारी इसमें और बहुत सारी विधियाँ सिखाते हैं और मेडिटेशन सिखाते हैं, जैसे कि हम परमात्मा को पहचान करके उनके प्यार में हम लीन हो जाएं। तो आज का ये ईश्वरीय वरदान 3 तारीख का, इसके बाद में अब आप चौथवें दिन के ईश्वरीय वरदान के बारे में सुनेंगे। ओम शांति।